तो हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है अलेक्जेंडर 1962 में। तो कैसे हो आप लोग? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैट्स के बारे में कि उनके बच्चे डालने के बाद उनकी केयर कैसे करनी चाहिए, क्या उनकी डाइट होनी चाहिए, बच्चों की क्या केयर होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए थैंक यू। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कैट्स का बिहेवियर बहुत सेंसिटिव होता है और ये बहुत प्यारी होती है, लेकिन जब इनके बेबी होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है उनको लेके कि कोई उनके पास ना जाए, वो एकांत में रहे। ये उन्हें छिपा के रखना पसंद करती है सबसे। तो अलग अलग कैट्स होती है, मैं ये नहीं कहता कि सारी कैट्स एक जैसी होती है। जैसे ये है लाडो, तो इसके बच्चों को चाहे मैं अपने पास रख लूँ या इसे अपने पास रख लूँ, बच्चों से दूर रख लूँ, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैक्सिमम जो कैट्स होती है उनका यही रहता है कि वो बच्चों के साथ रहना पसंद करती है और उन्हें और कोई वहाँ बिल्कुल नहीं चाहिए। और एक और जो ध्यान रखने लायक बात है वो ये है कि अगर किटन्स गर्मी में हुए हैं तो उन्हें थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, इतना भी नहीं कि ज़्यादा गर्मी हो जाए, उसमें जो आपकी कैट है वो परेशान हो जाएगी। लेकिन अगर किटन्स सर्दी में हुए हैं तो उन्हें चाहिए एक बॉक्स जिसके अंदर कैट उन्हें रख पाए, वो सेफ फील कर पाए और अपनी हीट उन बच्चों को दे पाए। तो कैट जब डिलीवरी कर रही होती है अपने बच्चे, उस टाइम में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास कैट का अच्छा से अच्छा कैट फूड हो जो उसे पसंद हो, क्योंकि ये जो फूड इन्हें नहीं पसंद होता है उसे ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, चाहे इन्हें 2 दिन भूखा रहना पड़ जाए। और इस केस में हो सकता है अगर आप इनका मनपसंद फूड वहाँ नहीं रखते जब इनके बच्चे हो रहे होते हैं तो ये बच्चे को भी खा सकती है, तो इसमें किटन्स का लॉस हो सकता है। आप ध्यान रखिएगा इन बातों का। और इसके अलावा कई बार हमें सुनने को मिलता है कि कैट्स अपने किटन को मार देती है या उन्हें खा जाती है, तो देखिए दरअसल ऐसा नहीं होता, लेकिन कई रियर केसेस ऐसे हैं जिनमें जैसे कैट ने या तो फर्स्ट टाइम अपने बच्चे डाले हों तो उसमें हो सकता है उसे पता नहीं हो कि क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि बच्चे से जुड़ा हुआ जो पार्ट आता है वो कैट के लिए होता है, उसे वो खा के एनर्जी लेती है नेक्स्ट बच्चे को जन्म देने के लिए। तो फर्स्ट टाइम आपको ध्यान रखना पड़ सकता है उसका, क्योंकि ऐसा हो सकता है। और सेकंड चांस ये होता है कि अगर बच्चे में कोई डिफेक्ट है या कैट को पता रहता है कि ये बच्चा आगे जाके कितनी तकलीफ सहन करने वाला है या ये मरने वाला है या जी पाएगा, तो ऐसा होता है तो वो कैट को किटन को मार देती है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा और ऐसी कंडीशंस ना बने इसलिए आपको कैट की डाइट जो है वो मेंटेन रखनी होगी, उसकी डाइट में अच्छा जो फूड उसे पसंद है वो रखना होगा और हो सके तो आप उसे थोड़ा सा नॉन वेज भी दे सकते हो। अगर आपने कैट रख रखी है तो ऐसा नहीं कि आप उसे सिर्फ रूम में या घर में बंद रख रखे हो, उसका जैसा मन करे उसे करने दीजिए। अगर उसका थोड़ा बाहर घूमने का मन है तो आप उसे घुमाइए, चाहे आप साथ रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि इसका कभी कभार छत पे आने का मन होता है तो ये बहुत ज़्यादा क्राउड करती है उस टाइम में, कहना नहीं मानती या चीज़ों को इधर उधर गिरा देती है, तो ये इनके इशारे होते हैं, ये बताती है अपने को कि इनको क्या करना है क्या नहीं, बस समझना चाहिए अपने को। देखिए अगर आप कैट्स को समझते हैं तो 100% मैं कह सकता हूँ कि वो भी आपको समझेगी, आपका कहना मानेगी। ऐसा नहीं होता कि डॉगी वफादार होते हैं, कैट्स भी काफ़ी कहना मानती है, बहुत प्यार करती है आपसे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता।